रघुनाथपुरा में किसान सभा आयोजित की गई। सभा के दौरान झुंझुनू लोकसभा टिकट के लिए शक्ति प्रदर्शन किया गया। पिलानी विधायक जेपी चंदेलिया, रीटा चौधरी, नंद किशोर मेहरिया, रविंद्र भड़ाना समेत अन्य वक्ताओं ने समर्थन देते हुए टिकट व चुनाव जिताने के लिए संघर्ष करने की बात कही। आप भी सुने श्रवण कुमार क्या क्या बोले। उन लोगों ने कहा था श्रवण कुमार जी हम आपको जिता तो देंगे पर आप जाके जयपुर बिक जाओगे। मैं आपको विश्वास करता हूँ कि मुझे मंत्री भी बना रहे थे और पैसा भी दे रहे थे, पर मैंने एक बात कही, मैं वादा करके आया हूँ कि बिहार की जनता के साथ कि उनकी पगड़ी को बेचूंगा नहीं। अगर मैं पगड़ी को भी बेच दूंगा आज मेरी मर्यादा बोलने काफी नहीं रहती। मैं आपको इतने सारे जनसमूह को और मेरे आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों को विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है तुम्हारी शादी में मैं 10 मिनट लेट हो जाऊंगा, हो सकता है मैं तुम्हारे के प्रोग्राम में 5 मिनट लेट हो जाऊंगा, पर अगर तुम्हारे साथ कोई न्याय करेगा, तुम्हारे दुखी को चीख की आवाज आएगी तो श्रवण कुमार अपने दरबार के नीचे करा देंगे। मुझे इस बात का फख्र है कि आज मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, सब लोगों को अभिनंदित कर रहा हूँ, जो लोग आए हैं अपने पद खुद के किराए पे आए हैं, खुद के साधन से आए हैं, मैं ईमानदार से कह रहा हूँ मुझे 5 रुपया भी खर्च नहीं करने दिया। और इन्होंने कहा अपने मुंह से कि शरण कुमार गाड़ी हम अपने आप लेके आई है, हम तो आपको न्यूता दे रहे कि हमारी मीटिंग में आ जा। अब जब इतना प्यार और सने हो सकता है कि चूक तो शेर से भी हो जाती है, ये चूक हुई होगी मैं किसी का और मान नहीं लेता, गलती फिर भी मेरी है। पर मैं एक बात सुन लो, मैंने जब भोजपुर रखे ना तो मेरे जी निकल गया भगवान। अब देखो मेरा बुढ़ापो जवानी तान देती 25 साल को तो उठने लगे हो, रात में 12 बजे आग होंगी सुनी, सुबह 6 बजे आग होंगी सुनी, खाना खाए को नहीं, पानी पियो को नहीं और पेटे सोए को नहीं। एक बात सुन लो, गांव देखो पूरा सांड जाने उन भी बड़कटा बैठे और छानी फिर डाले अरे ना, तो मैं तारी सेवा करी है कि बड़कटा मत गए हो, एक बार तो हिम्मत करके दिल्ली भेजो, क्योंकि मैं सेवा ईमानदार से की है। मैं आज भी दावे के साथ कह सकता हूँ उस पटाल की बड़ी सभा में अगर मेरी राजनीतिक 36 साल की राजनीतिक जीवन में एक बंदा खड़ा होकर कहते शरण कुमार मैं तेरे पास गया था, तूने मुझे जात पूछी, तूने मुझे नाम पूछा और मैंने फिर मेरे को पैसा देने के लिए कहा, मैंने क्यों उसका काम पूछा। और इस बात को लेकर मेरे भाई अरफान कह भी रहा था कि तुमने किसी को पूछा ही नहीं। भाई देखो सुनो पूछो ही भी बुढ़ा बुढ़ापा, क्योंकि मैं तो ईश्वर दयावान हूँ कि मेरे को थप्पड़ मार के 10 मिनट बाद आगे निकल जाए, गलती से लागो तो मैं तो और पानी दोगे खुश हो जाओ। अब देख काम करो आया का सही बात भी मारा गुंडिया कर, अब सुन लो तारी रिश्तेदारी है, कटे तारा छोड़ा गया है, कटे बुआ गई है, कटे भतीजो गया है और मेरे तेको दादो परदादो गया है, अब सारा देख जूती हाथा दे के निकल जाओ जो नाको पे होगा पियो। आज कौन सोचती है अभी खेती वालों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे भाई बढ़ाना छोटे भाई मेरे इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, रामनाथ जी फतेह सिंह जी सभी ने, नंदकिशोर जी ने सभी क्षेत्रों से आश्वासन दिया आशीर्वाद दिया। अब प्राणी सुन रहे हो एक बताओ मन हानि की जरूरत पड़ेगी खुद ही हान लोगा। अब एक बात सुन लो ते सारा ऊपर हाथ करके कहो शरण कुमार तुम बड़ो हम आपके साथ है, ऊपर हाथ करके मैं एक बात कहूं कि मैं जीवन में राजनीति में आया था 80 में, तब एक बात सोच के आया था कि गरीब को गणेश मान के काम करूंगा, गरीब के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं आज भी कहता हूं कि गरीब के साथ अत्याचार मैंने बर्दाश्त किया है और मैं करूंगा, और जहां मेरी जनता का पसीना बहेगा वहां सड़क पर खून मार के हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा।
मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि जनता सुरक्षित होती है और जनता ही टिकट दिलाती है और टिकट जनता ही मिट्टी में उड़ाती है। अब आपको मालूम है कि जनता में इतनी ताकत होती है कि आकाश में उड़ने वाली झाज को मिट्टी में मिला देती है और नीचे मिट्टी का पराशर को आकाश में उड़ा के हवाई जहाज बना देती है। आपने हमेशा प्यार और स्नेह दिया है और मैं तो भाई सुन लो बात, मैं तो 17-18 साल की उम्र में बिना बाप और माँ बोलो तो ताने माँ बाप मैंने अब के मारो तो मार दो छोड़ो छोड़ो इसी बात, क्योंकि मैं तो हूँ दिल से लागे हो क्या जनता ही माई बाप है भाई, एक ही सेवा कराना और एक रुपये में हम बराबर लियोगे ना। और आज जनता मैंने वो प्यार दिखा दिया, मेरे लिए एक ही गाड़ी खड़ी घोड़ा खड़े लेकिन एक रुपये हुई। तो मैं एक बात कर रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ने के लिए आप लोगों से परमिशन मांग रहा हूँ, परमिशन देते हो आगे दे तो परमिशन देते तो मैं छोड़ने जाऊँ ही तो भाषण जरूरत है लिए गड़बड़ा है कि भाषण तो राशन पर हुए हैं एंड आप राशन मेरे खत्म हो रहे हैं आप दोबारा राशन आओगे तो भाषण पर कह दूंगो और मैं आपके भाषण क्या कर दूंगा। मेरे जीवन में एक ही बात लेके चला था, सदियों बाद उतरा हूँ गहरे पानी में वतन की प्यास बुझा के रहूंगा, जो सिर झुके नहीं झुकाए गए थे उसे मैं उठा के रहूंगा, जाति और धर्म का जो जहर भरा जहर को मिटा के रहूंगा, जिन घरों में सदियों से अंधेरा चला था शराब चला के रहूंगा। आप दो देर पहले सुन रहे थे कि गुड़ कैन मार गए हो देखिए तेरा भरे ना भाई बताओ मैं की जय की जो करी ना वो भरे को या जनता ही फैसलो करे। अब मैं तो क्या बोलू जय की जो करे को मैं यह कह सकूं कि तो ब्रह्मानंद महाराज आ जाना वो कहते पूरा पाते हुए बात कह रहा हूँ कि एक आदमी आपकी माँ के साथ अत्याचार करेगा वो हमारी माँ बाबा गंदी हमारी कांग्रेस, उसके साथ ही कोई आदमी अत्याचार करे उसके साथ कोई न्याय करे उसका भगवान भी भला नहीं कर सकता। इसलिए इस माँ के लिए हम कुछ भी नहीं कह सकते, आप जो करेंगे वो भरेंगे। मैं तो एक बात कहता हूँ मैं तुम्हारा था तुम्हारा हूँ और तुम्हारा इतिहास बढ़े रहूँ के साथ आपका इतना दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि मेरी सात पीढ़ी भी तुम्हारा बदला नहीं चुका सकती।